ये देखिए यहाँ के जो ये रास्ता है और यहाँ जैसे खेत है, ये हमारे खेत है। देखिए ये नीचे जैसे है, ये हमारे खेत है और ये तो हमारे चाचा जी के खेत है। और ये देखिए ये जो सामने ना, ये घर हमारे हैं। जो ये चद्दर वाला नहीं है, ये चद्दर वाला, ये वाला मकान है हमारा। आप लोगों को दिखाया मैंने पिछली वीडियो में भी, एक बार जाके देखना, आप चेक करना है हमारा मकान। और देखिए ये ऐसे जैसा है, ये देखिए ये हमारा किचन है ऊपर। देखिए ये हमारा ना पुराना काउ शेड है, तो ऐसे मिट्टी के होते थे पहले काउ शेड भी और घर भी, तो ऐसे इनको लीपा पोता जाता था। और ये देखिए अभी इसमें ना मिट्टी लगा दी, और ये जो ये अभी दे रहे हैं ना, ये गोलू होता है, तो ये गोलू दे रहे हैं इसमें। और ये देखिए ये हमारा नया काउ शेड है, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कर रहे हैं लीपा पोती, क्योंकि यहाँ पे ना शादी आई है, तो इसलिए जो है वो घर और जो एक काउ शेड है इनको बना के रखना पड़ता है और सजा के। माता जी ने तो आज बात भी नहीं की आप लोगों से, करो रखो गलाई जम हुई है। हाय, ये है हमारे घर। देखिए ये हमारे वाला घर है नीचे वाला, और ऐसे जैसा यहाँ पे जो है वो कल्चर और पहाड़ियाँ ऐसी जैसी। से कितनी की ऐसा बोल रहे थे कि त्यंबल का पेड़ कैसा होता है, तो ये देखिए ये है इसका पेड़ और ये है त्यंबल इसमें। ये देखिए ये त्यंबल है, और नज़दीक और नहीं और भी दिखाऊंगा मैं आपको ना त्यंबल का पेड़। अभी ये बहुत ऊंचा जैसा है, छोटा सा भी दिखाऊंगा। ये देखिए इसको बोलते हैं यहाँ पे खड्डा रखाल। ये हमारे दूसरे घर के खेत है, इसको खड्डा रखाल बोलते हैं इस जगह को। और ये बैंस के बोलते हैं इन डोरियों को, ये जो खेत है ना इनको बोलते हैं बैंसक, और ये खड्डा रखाल है। पता नहीं क्यों बोलते हैं खड्डा रखाल, पर नाम है इसका। चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो ये देखिए नाला है, यहाँ से हमारे घर को सप्लाई होती है पानी की, और ये देखिए ऐसा बना रखा है हमने। और वैसे यहाँ से डायरेक्ट हम पानी ले जाते नहीं है, यहाँ से पाइप सीधी लगी है। ये देखिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक नई रेसिपी, शायद मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, सच्ची बात बताऊँ मैं। और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि कैसी वो होती है। और ये देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ये जो कहाँ है वो? एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वाले पत्ते हैं ना जो, ये इसको बाग बेल के पत्ते बोलते हैं, बाग बेल होती है ये। तो इसके पत्ते जो होते हैं ना, वो नए नए अंकुर जैसे आते हैं, उसका जो है वो साग बनता है। और उसकी जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे ये वाला तोड़ना है हमारे को, ये वाला, तो देखते रहिएगा आप, करेंगे इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, फिर दोबारा आप लोगों से बात करता हूँ, तब तक आप रुकिएगा। ओके, देखिए ऐसे ऐसे कासल जो है वो, मतलब कासल का मतलब होता है जो आगे वाला हिस्सा होता है ना अंकुरित, उसको कासल बोलते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे हमारे को तोड़ने पड़ेंगे ये देखिए। और ये हमारा देखो लहसुन का खेत है, ये देखिए ये लहसुन है, और ये धनिया है। देखिए अब पकने वाला है धनिया भी, कुछ ही दिनों में पक जाएगा ये देखिए। और ये है लहसुन, लहसुन भी अब थोड़े से दिनों बाद जो है वो निकाल दिया जाएगा। और ये देखिए इतना सा खेत है ये लहसुन का। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए हमारे घर, ये हमारा छोटा सा
छोटा सा गांव है ये, और यहाँ पहले भी लाया है मैंने, आप लोगों को दिखाई ये जगह, बट इस साइड से नहीं मैंने कैप्चर किया था, तो इस साइड से भी कैप्चर कर रहा हूँ। देखिएगा आप, अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। तो ऐसे हैं, तीन चार ही घर है यहाँ पे, और सभी जो है वो मिलजुल के रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सभी ना एक होके रहते हैं, एक ही परिवार की तरह। ये बैल देखिए यहाँ पे, और ये देखिए गुलाब के फूल, ये देखिए। तो यहाँ पे भी देखिए धनिया जो है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए। और ये है यहाँ पे प्याज लगाया हुआ, ये प्याज है, और ये सरसों भी है साथ साथ में। ये तो चलो ऐसी सरसों तो थोड़ी थोड़ी लगाई थी ना बीच में, और ये प्याज है। प्याज दिख नहीं रहा अभी क्योंकि ये तोड़ दिया गया है, क्योंकि नीचे जब ना इसके वो क्या कहते हैं प्याज हो जाता है ना बड़ा, तो इसको तोड़ देते हैं ऊपर से, इसके ये पत्ते जैसे तोड़ देते हैं। और ये थोड़े से आलू लगा के रखे हैं, थोड़े से लगाए हैं, ये देखिए ये आलू है। और ऐसे लगाते हैं आलू हमारे यहाँ खालियों में। और ये है मेथी, ये देखिए ये मेथी है, ये देखिए मेथी। आलू हमने ना बारीक बारीक करके काट लिए हैं, और अब ये देखिए पानी में है, अभी निकालेंगे इसको। जब ये बताया था मैंने आपको कि बाग बेल जो है वो उसके कासल जो होते हैं उसकी हमने सब्जी बनानी है, तो आलू के साथ बनेगी वो। ये बहुत टाइम लगता है इसको, बारीक काम है ना ये साग, जो अलग ही होता है ये, और बड़ा स्वाद होता है, और निरोगी सब्जी है ये। तो आप देखिए कि ये है वो बाग बेल, इसका अभी कट कर लेते हैं ना, इसको छोटे छोटे मतलब टुकड़ा कर लेते हैं, और इसके जो है वो कर दिए हैं आलू के। और फिर देखिए आप कैसे बनती है ये सब्जी। ये कढ़ाई में हमने तेल जो है वो डाल दिया, देखिए आप, और अब तड़के की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे भावना ने आज चूल्हा लिपा है। ये हमने ना जो ये साग है, साग नहीं इसको क्या बोलते, कासल है, हाँ साग ही बनेगा, तो ये हमने जो है पानी में रख लिया है, ये देखिए। और ये रखा है हमने आलू कट के, और ये हमने ना यहाँ पे दरड़ा बना के रखा है, प्याज धनिया मिर्च जीरा और क्या था और लहसुन थोड़ा सा, और ये है नमक, तो ये हमने ना कूट के रख लिया है, तो इसमें जो है वो कूट के डालेंगे। और अभी आप रुकिएगा, नहीं तो वीडियो ना लंबी बन जाती है, इसलिए जो है मैं बीच में काट काट के करता हूँ। इसमें एक्चुअली पता क्या है, काइन मास्टर में जो एडिटिंग करता हूँ ना उसमें ना स्पीड नहीं है, नहीं तो मैं पता क्या एक एक चीज़ ना स्पीड में भी दिखाता, बट स्पीड ही नहीं है उसमें, तो मैं जो है वो काट देता हूँ बीच में या पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। अब हमारा ना तेल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें जो है हमने दरड़ा जो है वो डाल दिया, ये देखिए अब सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है ना हमने, फिर हमारे को और डालने की ज़रूरत नहीं था। और अच्छे से अब इसको पकने देते हैं, तेल ज़्यादा गर्म है, हो गया हो ना, अब तो हमारा तड़का होने वाला है। और कूल पीपल के नाम से एक मेरी सिस्टर है ना, उसने कहा था कि कढ़ाई को जो है बट्टा लगा के रखना, तो भाभी ने अभी तक वो इनकी बात फॉलो नहीं की है। और ये देखिए अब जो आलू है ना, ये आलू हम जो है वो धो के डाल लेंगे, ये अच्छे से हमने जो है इसमें अब मतलब काफ़ी देर इसको पका लेना है आलूओं को, क्योंकि एक्चुअली ना पता क्या है, अगर ये जो ये साग है ना इसको अगर हम जो है वो साथ में डालते हैं तो ये जल्दी पक जाएगा और आलू जो है हमारे कच्चे रह जाएंगे, इसलिए तो पहले आलूओं को अच्छे से पका लेंगे, राड़ लगाते रहेंगे ऐसे। और देखिएगा ये जो बाग बेल के साग होता है ना, ये अकेले का भी बन जाता है अगर, पर मतलब ये जो है वो मतलब काफ़ी तोड़ना पड़ता है ये, तो हमने थोड़ा सा लाया था। अभी जितनी ज़्यादा गर्मियाँ होगी उतना ही ज़्यादा
जो है ये साग ज़्यादा होगा। तो अभी गर्मियाँ यहाँ पे नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है, बीच बीच में 15-20 दिन बाद जो है वो बारिश हो जाती है, तो ठंडी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़े से जितने हुए थे ना, वो नई आपको रेसिपी दिखाने के लिए जो है ये ढूंढ के लाए, और आपको आपके साथ शेयर करने के लिए जो है ये कासल जो है हमने थोड़े थोड़े थे हुए हुए तो सारे ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, तो आप देखते रहिएगा। और अब हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं जी, और ये देखिए अब नमक हमने ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। हल्दी हमने जो है अब ऐड कर लेनी है, ये देखिए हल्दी जो है ऐड हो गई है, और अब थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर लेना है, थोड़ा सा इसमें राड लगने देना है, फिर उसके बाद जो है हमने ये ऐड कर लेना है इसमें पानी। ये देखिए हमने पानी इसमें ऐड कर लिया है, अब थोड़ी देर इसको ना ऐसे ही पकने देते हैं, और अब जो है थोड़ी देर इसको ऐसे पकने देंगे, अब फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब जो है हमारे आलू जो है ना हो चुके हैं, तो अब ये बाग बेल के जो कासल है ना वो अब इसमें ऐड कर लेते हैं, और अब थोड़ी देर और पकने देते हैं, ताकि हमारा जो ये कासल है ये भी अच्छे से पक जाए। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको, तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और फिर जब हो जाएंगे ना तो मैं दिखाऊंगा आपको कि अब हो गई हमारी सब्जी। सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम उठा देंगे, और ये देखिए अब हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, और आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और फिर देखिए आपके नज़दीक से दिखा लेता हूँ मैं कि ऐसी जैसी बनी है, और बहुत टेस्टी बनती है ये बाग बेल की, अकेली की भी बन जाती है सब्जी, बट ज़्यादा होने चाहिए ये आजकल, अभी जो है वो होंगे ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, और कहीं कहीं पे जहाँ ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं ना वहाँ ये ज़्यादा होती है, और ये पानी के जहाँ पे पानी होता है ना, जैसे खड्डों में पानी होता है, तो उस जगह पे ज़्यादा होती है ये। और जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी और कुछ नई बातें लेके फिर दोबारा से आप लोगों के साथ जो है मुलाकात होगी। ओके बाय।